1993 में एक फिल्म आया था जुरासिक पार्क। उस वक्त एक लड़का उस फिल्म को नहीं देख पाया क्योंकि उसके जेब में पैसे नहीं था। लेकिन जब 2013 में उस फिल्म का एक सीक्वेंस आया जुरासिक वर्ल्ड, तब उसी लड़के को उस फिल्म में एक अहम किरदार में देखा गया और आगे जाकर उसे भारत का एक गौरव सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं आज आप लोगों को भारत के उस ग्रेट एक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस ग्रेट एक्टर का नाम है इरफान खान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए। तो ये कहानी शुरू होती है 7 जनवरी 1967। जयपुर राजस्थान के एक छोटे से शहर में इरफान खान का जन्म होता है। उनके पिता जागीरदार खान टायर का बिजनेस करते थे। उनके माताजी थे बेगम खान। उनके एक भाई है सलमान खान और एक बहन है रुखसाना बेगम। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इरफान पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे। उन्होंने जयपुर से एमए किया। 1984 में उन्हें एक स्कॉलरशिप मिल गया और दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनको एडमिशन मिल गया, जहाँ पर उन्होंने एक्टिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था। इरफान खेल कूद में भी बहुत अच्छे थे और वो हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे। उन्हें सीके नायडू टूर्नामेंट अंडर 23 में खेलने का मौका मिला था। जीवन के शुरुआती दिनों में वो बहुत स्ट्रगल करते थे। वो अपना गुजारा करने के लिए ट्यूशन पढ़ाते थे और एसी रिपेयरिंग का काम भी करते थे। 1988 में उन्हें पहली बार सलाम बॉम्बे फिल्म में काम करने का मौका मिला था, लेकिन कुछ कारण के चलते उनका वो सीन कट कर दिया गया। वो बहुत सारे टेलीविजन सीरीज में भी काम कर चुके हैं, जैसे कि चाणक्य, भारत एक खोज, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ खास कामयाबी नहीं मिला। 2001 में उनको एक ब्रिटिश फिल्म द वॉरियर में देखा गया, जिसमें लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। 2005 में रोग फिल्म में उन्हें बॉलीवुड में पहली बार लीड रोल पर देखा गया। 2013 में जुरासिक वर्ल्ड फिल्म ने उन्हें अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। लंच बॉक्स उनका एक बहुत ही कामयाब फिल्म है, जिस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $17 मिलियन का बिजनेस किया था। और ये फिल्म इंडिया का एक लौता फिल्म है जिसको टोरंटो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड मिला। 23 फरवरी 1995 में उन्होंने शादी कर लिया। उनके वाइफ का नाम है सुतपा सिकदर, जो कि एक डायलॉग राइटर है। उनके दो बेटे हैं बाबिल खान और आयान खान। 2012 में उन्होंने अपने नाम के स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा आर लगवाया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, उसका कुछ खास वजह उन्होंने नहीं बताया। उनका नीट अर्थ है $50 मिलियन। वो साल में 12 से 14 करोड़ रुपए कमाते हैं। द लाइफ ऑफ पाई, हिंदी मीडियम, पिकू, पान सिंह तोमर, उनकी ऐसी शानदार फिल्में आपको ज़रूर देखना चाहिए। उन्हें बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2011 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 6 मार्च 2018 को उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि उनको न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, जो कि बहुत खतरनाक डिजीज है। इरफान का एक ड्रीम था, वो एक पैसे से भरा हुआ सूटकेस अपने माँ को गिफ्ट करना चाहते थे। 25 अप्रैल 2020 को उनके माताजी का देहांत हो गया। इरफान का तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा था। 28 अप्रैल को उन्हें कोकिलाबाई धीरूभाई अम्बानी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। उनके माँ के गुजरने के 4 दिन बाद 29 अप्रैल को उनका हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी ज़िंदगी का आखिरी फिल्म है अंग्रेजी मीडियम। ऐसे महान कलाकार को दुनिया हमेशा याद रखेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा।